चार बातें हैं डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सीडो सेकुलरिज्म और हिंदुत्व। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है जो आपके पॉलिटिकल वर्कशॉप यानी सियासी शौर की बेदारी, तो सवाल ये है कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होता क्या है। जो कुछ प्रोग्राम में आपको तरतीब से बताया जा रहा है क्या इसी का नाम सियासी शौर है या सियासी शौर इससे आगे की कोई चीज नहीं। जाहिर है कि मुझे ऐसा लगता है प्रोग्राम का कंटेंट देखकर कि कॉन्शियसनेस के उस पहलू को इस तरह से डिबेट में नहीं लाया गया है। और इसी तरह सवाल ये उठता है कि अगर कोई नजरियाती तहरीक, इस्लामी तहरीक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करती है, सियासी शऊर की बात करती है, उसका क्या मतलब है? यानी इस्लामिक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इट मींस? तो इसमें तीन बुनियादी सवाल हैं जो इस्लामिक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाते हैं। पहला सवाल सॉवरेंटी का सवाल, दूसरा सवाल हुदूद का सवाल, बाउंड्रीज का सवाल, और तीसरा सवाल आफाकी कदरों का सवाल है, डिवाइन वैल्यूज का सवाल। और इस बहस को थोड़ा सा अगर फैलाया जाए तो फिर ये सवाल उठता है कि किसी प्लूरल सेकुलर डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इस्लामिक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को कैसे आर्टिकुलेट किया जाएगा, कैसे देखा जाएगा। यानी ये तीन बहसें, सॉवरेंटी का सवाल, हुदूद का सवाल, आफाकी कदरों का सवाल, ये तीन सवाल को अगर प्लूरल सेकुलर डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आर्टिकुलेट करना हो हमको, उसके फ्रेम में हमको इन तीन बातों को समझना और समझाना हो तो क्या हो? तो जाहिर है कि इसका सवाल, इस सवाल का जवाब पॉलिटिकल वर्कशॉप शायद पूरी तरह नहीं दे पाता है, और इसलिए ये मामला ज़्यादा गंभीर और संजीदा मेरे लिए है कि हम कैसे सेकुलर डेमोक्रेटिक प्लूरल सोसाइटी में इस्लामिक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को आर्टिकुलेट कर पाते हैं। और अगर हम आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं तो फिर हम दो दुनिया में बैकवक रहते हैं, जिसको के फिलॉसफी में और मेडिसिन में शिजोफ्रेनिया कहा जाता है, कि बैकवक हम जमहूरियत का सपोर्ट भी करते हैं और फिर अपने इज्तम में कहते हैं कि आपकी जो जमहूर जो है ताबूत है और कुफर है। और शायद इसकी बड़ी वजह यही है, ये जो शिजोफ्रेनिया हमारे यहाँ क्रिएट हुआ है कि हमारे यहाँ दोनों मुतफाद बातें एक साथ कही जाती हैं, उसकी वजह शायद ये बनती हो कि इस्लामिक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को एक प्लूरल सेकुलर डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आर्टिकुलेट करने की पोजीशन में हम भी नहीं पहुँचे, जो ज़्यादा बड़ा सवाल है। इसके बाद दूसरी बात, जमहूरियत, सेकुलरिज्म, स्यूडो सेकुलरिज्म और हिंदुत्व पर मैं करना चाहूँगा। कोई भी पॉलिटिकल रिस्पॉन्स थियोरेटिकल हो या प्रैक्टिकल, ये टाइम में होता है, टाइम के बाहर नहीं होता, वो उस वक्त का रिस्पॉन्स होता है, उस वक्त में पॉलिटिकल रिस्पॉन्स खड़ा किया जाता है। इसलिए कि फिल वाक़े बिल हक़ीक़त फ्यूचर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, फ्यूचर डजंट बिलोंग, बिकॉज फ्यूचर इटसेल्फ है फ्यूचर, इसलिए फ्यूचर कहीं खत्म नहीं होता है, फ्यूचर का अपना एक फ्यूचर है। तो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स अपने ही वक्त में होता है, अपने ज़माने में होता है, और वो एक रिस्पॉन्स होता है जो कि सोसाइटी हो या इंटेलेक्ट हो या स्टेट हो खड़ा करता है उस रिस्पॉन्स को। सेकुलरिज्म और जमहूरियत वो रिस्पॉन्स है जो डार्क एज के अख्ताम पर मगरबी दुनिया ने दुनिया को या अपने यूरोपियन हालात के मुताबिक दुनिया को एक रिस्पॉन्ड किया, एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है। हमको मालूम है कि जो डार्क एज था उसमें चर्च की हुक्मरानी थी और इंसान के पर्सनल मैटर को और स्टेट के पब्लिक मैटर को चर्च गवर्न करता था, चर्च की हर सारी चीज़ों पर हुकूमत थी। अगर चर्च ये कहते कि फलां किताब पर पाबंदी लगनी चाहिए, अभी मैं मूवी देख रहा था, अब तो बुजुर्ग लोग हैं लेकिन अगर किसी की दिलचस्पी हो तो अरबी एक मूवी अलमासिर, तो वो एक नरुष्ट पर बनाई गई है,
तो वो शुरू ऐसा ही होती है, उसमें यूरोप के डार्क एज का नक्शा है। आपको मालूम है कि कितने रूस की राइटिंग जो है वो स्मगल होती थी स्पेन से, कर्तबा से, और वो स्मगलिंग के नतीजे में निशकसानिया हुआ है यूरोप का, यानी ऐसा हुआ है। और शायद हाइडिगर ने गालिबन, या हाइडिगर ने पता नहीं, एक बड़े फलसफे ने कहा है अरस्तु के बाद दुनिया का सबसे बड़ा फलसफी रूस, इसने जिस तरह इंसानी जिंदगी पर असर डाला है वो कहीं और नहीं होता है। तो चर्च का मामला ये था कि एक आदमी को किताबों के ढेर पर टांग दिया गया है और जलाया गया किताब को, और उसकी जो आग की जो अलाव थी उस आदमी को जला गई, खा गई। और उसका जुर्म क्या था? उसका जुर्म यह था कि इब्न रुश्द की किताब को उसने फ्रेंच जबान में ट्रांसलेट किया। उसी तरह एक और स्टिग्माटा करके मूवी है, उसको भी आप देखें जो डार्क एज पर बनाई गई थी। उसमें यह है कि खातून ने बाइबल पढ़ लिया, तो खातून ने जब बाइबल पढ़ लिया तो चर्च ने कहा कि तो बड़ा गुनाह का काम कर दिया, खातून बाइबल कैसे पढ़ रही है। तो उसका हाथ पांव बांध करके जॉब को क्लैंप कर दिया और गर्म सलाब से जबान निकाल ली। ये मामला सिर्फ मूवी का नहीं है, आप डार्क एज की हिस्ट्री को जो गिबन ने भी गालिबन लिखी है उसको हम देख सकते हैं। और स्टैनले पूल की एक किताब है मुस्लिम इन स्पेन पर, उसमें बहुत तफसील से उसने मुबायसा करके बताया है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं सदी के स्पेन में जहाँ मुस्लिम हुक्मरानी थी वहाँ लेडी डॉक्टर बहुत अजनबियत की बात नहीं थी, आपको हर एक दो मोहल्ला छोड़ करके लेडी डॉक्टर मिल जाए। फिर उसने लिखा है कि कर्तबा और कर्नाटा का ये हाल था कि वो इल्म फन का मरकज था और वहाँ के बच्चे बच्चे को इल्म कलाम समझ में आता था और उस जमाने में यूरोप के बड़े लोगों को सिग्नेचर करने नहीं आता था। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि चर्च की हुक्मरानी थी, चर्च का बलबा था, चर्च जिस चीज को हक समझता था वो स्टेट से करवा लेता था। आपको मालूम है कि जंगें तो लायन दी हार्ट में लड़ी हैं सलाउद्दीन अयूबी से, लेकिन उसकी पुष्ट पर चर्च मौजूद था, चर्च के सिंबल के तहत क्रूसेड हुआ करती थी, जंगें हुआ करती थी। तो ये एक रिस्पॉन्स है जो फ्रेंच, फ्रांस, जर्मनी में बुनियादी तौर पर, और फिर इंग्लैंड में, जिसको हम इनलाइटनमेंट का एज कहते हैं, जर्मन आइडियलिज्म, फ्रेंच इनलाइटनमेंट और ब्रिटिश नेशनलिज्म, इन सब ने मिलकर एक रिस्पॉन्स खड़ा किया। ये रिस्पॉन्स सिर्फ किसी एक चीज के मुताबिक नहीं था बल्कि जिंदगी के हर शोबे पर मुहित था और उसमें बहुत सारे रिस्पॉन्स खड़े किए। उसमें एक रिस्पॉन्स था इंडिविजुअलिटी का रिस्पॉन्स था, चर्च हमको कवर नहीं करेगा, अगर मुझे ख्वाहिश है तो मैं चर्च जाऊँगा, अगर नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगा। तो इंडिविजुअलिटी को फिर से रिक्लेम करने की कोशिश की। उसी तरह जमहूरियत, ये चर्च तय नहीं करेगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा बल्कि अवाम तय करेगी, अवाम के हाथ में हुकूमत आनी चाहिए, अवाम का विल जिंदा होना चाहिए। और उसी तरह फिर सेकुलरिज्म का एक रिस्पॉन्स खड़ा किया गया कि चर्च को रियासत से अलग किया जाए। पादरी का काम यह नहीं है कि वो रियासत के मामला में मदाखलत करे बल्कि इसका काम यह है कि वो पादरी रहे। इसकी इसमें क्या दिलचस्पी है कि लायन दी हार्ट को फलस्तीन भेजा जाए या कहीं और भेजा जाए, ये चर्च का काम नहीं है। तो डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म एक रेस्पॉन्स है बुनियादी तौर पर, और फिर इसका ग्रोथ, जब एक रेस्पॉन्स है थ्योरेटिकल भी है फिर वो प्रैक्टिकल शेप में उतरता है, तो फिर ये बतदरीज इसका ग्रोथ डेमोक्रेसी का होता है, फिर ये इंस्टीट्यूशनल फॉर्म लेता है, फिर ये स्टेट का फॉर्म लेता है, फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। फिर सवाल इससे पढ़ के डेमोक्रेसी से बड़ा सवाल जो खड़ा हो जाता है वो डेलीबरेटिव डेमोक्रेसी का खड़ा हो जाता है, डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी का खड़ा हो जाता है। यहीं से सवाल उभरता है तो पब्लिक स्फीयर के फ्रेम में चला जाता है, फिर डेमोक्रेसी पब्लिक स्फीयर के फ्रेम में इमेजिन की जाती है। तो डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म एक रिस्पॉन्स के तौर पर अगर हम कहना चाहें तो उसमें तीन चार बातें हम कह सकते हैं। अव्वल ये कि स्टेट के मामला को चर्च नहीं बल्कि अवाम तय करेगी, स्टेट के अंदर जो कुछ होगा वो अवाम की मर्जी से होगा, अवाम की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है। अवाम तय करेगी कि हमारा बादशाह कौन होगा और कौन नहीं होगा, और यहीं से फिर इलेक्शन का तसव्वुर पैदा होता है। और सेकुलरिज्म ये है कि रियासत के मामलात में स्टेट दखल न दे, चर्च जो है वो दखल न दे, चर्च अपना काम करे, मजहब को बिल्कुल अलग किया जाए, मजहबी सिंबल से रियासत को ही पाक किया जाए, रियासत
सिंबल ना हो, कोई रिलीजियस सिंबल ना हो, ये दो बातें। अब सवाल ये उठता है कि क्या सेकुलरिज्म दुनिया में प्रैक्टिस की गई, की जाती है, की जा सकती है, और डेमोक्रेसी का सवाल क्या है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म ने अपने आप को दुनिया की हर साइंस में मनवाया है, और हर आदमी फिर डेमोक्रेसी के फ्रेम में बात करने और सोचने के लिए तैयार हुआ है। डेमोक्रेसी का असर हुआ है, डेमोक्रेसी का इम्पैक्ट है लोगों पर, और फिर हम बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक ओपननेस होनी चाहिए। लेकिन सेकुलरिज्म ने ज्यादा गहरे असर लोगों पर डाले हैं डेमोक्रेसी के मुकाबले में, और सेकुलरिज्म का सवाल ज्यादा टेढ़ा होता है। इसीलिए सेकुलरिज्म जब फ्रांस से निकलती है, जर्मनी से निकलती है, ब्रिटेन से निकलती है, तो फिर वो अलग अलग शेप अख्तियार करती है, और अलग अलग शेप में दो बातें बहुत अलग अलग तरीके से आती हैं। एक बात ये कि रियासत का कोई मजहब नहीं है, मजहबी मामला में रियासत दखल नहीं, मजहबी मामला हैं और उसका रियासत से कोई लेना देना नहीं है। रियासत के मामला में मजहब मदाखलत नहीं करेगा और मजहबी सिंबल्स को खत्म किया जाए, रियासत का कोई मजहबी सिंबल नहीं होगा, तो कोई दीन को ना रिलीजन को एक्सेप्ट किया जाएगा ना एक्नॉलेज किया जाएगा, बल्कि पब्लिक स्फीयर में किसी भी रिलीजियस सिंबल को ज्यादा स्पेस नहीं दी जाएगी। तो बुर्का की पाबंदी होगी, मिनरेट्स की पाबंदी होगी, और बहुत सारे सवाल उससे खड़े हो जाते हैं। दूसरा रिस्पॉन्स यह है कि रियासत के मामले में मजहब मदाखलत नहीं करेगा, लेकिन रियासत मजहब का एहतराम करेगी। अगर कोई आदमी हिंदू है और मुसलमान बनना चाह रहा है तो इसकी आबादी है, क्योंकि इंडिविजुअलिटी के इस रिस्पॉन्स ने हमको सिखाया कि इंसान आबाद है, वो तब्दीली मजहब भी कर सकता है। तो तुर्की की जब हम सेकुलरिज्म को देखते हैं, अतातुर्क की सेकुलरिज्म को देखते हैं, तो वो मजहब का मुनकर नजर आता है, और हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म को देखते हैं तो पूरी सियासत जो है रिलीजन पर खड़ी की जाती है। यहाँ पर एक बात रोक के मैं डेमोक्रेसी पर आऊंगा और फिर सीडो सेकुलरिज्म पर हम कुछ बातचीत करेंगे। जमहूरियत का जो थ्योरेटिकल बहस है उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका मौका नहीं है। अगर आप यहाँ पर कोई सवाल खड़ा करेंगे तो हम लोग मुबाहसे में उसको देख सकते हैं। लेकिन आज के दिन में, खास के हिंदुस्तान के पस मंजर में जमहूरियत का सवाल है, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का जो सवाल है वो सिर्फ दो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। अगर किसी भी रियासत में हुकूमत जमहूरी तरीके से चलाई जाए, पार्लियामेंट जमहूरी हो लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना हो, जो विनायक सेन का मसला है, जो सिडक, ये जो सेडिशन वाला मामला है, ये डेमोक्रेसी का सवाल है। कि क्या कोई आदमी नक्सल से बात नहीं कर सकता इस मुल्क में, क्या कोई आदमी किसी टेररिस्ट का केस नहीं ले सकता इस मुल्क में, और क्या कोई आदमी नक्सलिज्म की वकालत एक्सप्रेस कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो आज के दिन हिंदुस्तान में जमहूरियत का सवाल जो है वो फ्रीडम ऑफ चॉइस का सवाल है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल है। बल्कि अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए तो जमहूरियत के यही दो सवाल हैं, और यही दो सवाल की वजह से जमहूरियत पैदा हुआ है। इंसान को चॉइस की क्या आजादी। अब मान लीजिए कि कल के दिन, कल जो हुआ चल रहा है, तो पता नहीं आपको कितना वाकई है कि भाई बिलो पॉवर्टी लाइन को जो डिफाइन कर रहे हैं वो एक नए तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि 25 रुपए से 35 रुपए तक कोई आदमी शहर में अगर कमा लेता है तो वो गरीब नहीं करा पाएगा। क्या सरकार आज के दिन 25 रुपए में 3 वक्त का खाना किसी फैमिली को खिला सकती है, और 20 रुपए जो आदमी किसी गांव में कमा रहा है रोजाना, वो गरीब नहीं है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, और उसको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो क्या कोई आदमी 20 रुपए रोजाना पर अपने घर को चला सकता है। ये सवाल पॉवर्टी का नहीं है, ये सवाल बीपीएल का नहीं है, सवाल प्लानिंग कमीशन का नहीं है, सवाल मोन्टेक सिंह अहलूवालिया और मनमोहन का नहीं है, सवाल जमहूरियत का। तो जमहूरियत के दो बड़े सवाल हैं जो हिंदुस्तान में इस वक्त सर उठाए हुए हैं, उसको हम कैसे एड्रेस करें। एक्सप्रेशन का सवाल, आप बोल नहीं सकते हो, आप किसी का के हक में लड़ नहीं सकते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सकते हो और अपने अपना केस ना लड़ सकते हो, रात में आपको कोई उठा के ले जाता हो तो अपने केस पर न लड़ने की जो कैफियत है, ये अनडेमोक्रेटिक है कि साहब टेररिज्म के नाम पर जो लोग पकड़े जाते हैं
या सवाल फिर टेररिज्म का नहीं है, या फिर जमहूरी कदरों का सवाल है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का सवाल है कि कोई आदमी को कैसे पकड़ा जाए, उसको एक्सप्रेस करने की आजादी ना हो, उसको रात में कोई आदमी सिविल ड्रेस में आया और उठा कर ले जाए। तो पॉलिटिक्स में सवाल सोशल एक्टिविज्म के फ्रेम में नहीं किए जा सकते। यहाँ हंगामा हो गया आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, वहाँ हंगामा हो गया आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, वहाँ पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया, वहाँ प्रेस स्टेटमेंट दे दिया। पॉलिटिक्स का सवाल ज्यादा पेचीदा, ज्यादा बड़े कैनवस में और ज्यादा बड़ा प्लॉट और स्पेस, ये सारे सवाल इस चीज से जाके जुड़ जाते हैं, वो जमहूरियत के सवाल से जुड़ जाते हैं। अब सवाल है स्यूडो सेकुलरिज्म का। असल में एकेडमिया में कोई ऐसी चीज होती नहीं है स्यूडो सेकुलरिज्म, ये कोई मतलब पॉलिटिकल कैटेगरी नहीं है, कोई सब्जेक्ट इसको डील नहीं करता। प्रॉब्लम ये है कि सेकुलरिज्म बोलने के बावजूद, सेकुलरिज्म बोलने के बावजूद जब सेकुलर, जो सेकुलर एंटिटी होती है वो किसी सोशल क्लास में, सोशल स्ट्रक्चर में आर्टिकुलेट नहीं हो पाती है तो फ्रिक्शन क्रिएट करती है। जब वो फ्रिक्शन क्रिएट करती है तो प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि स्टेट द सेकुलर हिंदुस्तान का, लेकिन मनमोहन सिंह को अगर पार्लियामेंट के नेक्स्ट फ्लोर का आगाज करना तो नारियल फोड़ना पड़ता है, ठीक है, और गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर में गणेश की फोटो मिल जाएगी और राम की फोटो मिल जाएगी और अगर कोई मुसलमान है तो या अल्लाह और या रज़ाक लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दिस इज नॉट बेसिकली स्यूडो सेकुलरिज्म, दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम, एन इंट्रिकेसी, अ परप्लेक्सिटी, अ कॉम्प्लेक्सिटी। कि सेकुलर तो आप ले लेते हैं लेकिन समाज का अपना एक डिजाइन, समाज का अपना एक रूट है, समाज का अपना एक स्ट्रक्चर है। अब उस स्ट्रक्चर में सेकुलरिज्म कैसे जज्ब किया है, और जब वो जज्ब नहीं हो पाती है पूरी तरह से पब्लिक स्फीयर में तो फ्रिक्शन क्रिएट करती है, वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। जब वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है तो हमको कहीं कहीं पर स्यूडो सेकुलरिज्म लगता है। स्यूडो सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में ज्यादातर राइट विंग मतलब हिंदुत्ववादी लोग बोलते हैं और कुछ जर्नलिस्ट यूज करते हैं, लेकिन स्यूडो सेकुलरिज्म का सवाल बड़ा नहीं है, बड़ा सवाल सेकुलरिज्म का ही। इस सिलसिले में तलाल असद की किताब आप पढ़ सकते हैं कि उसने सेकुलरिज्म के नॉर्मेटिव कंस्ट्रक्शन को ही क्वेश्चन किया है और सेकुलरिज्म पर लगातार हमने लिए दो लोगों को आप देख सकते हैं। एक तो क्लिफर्ड गीट्स को आप देख लीजिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, और वो कहता है कि कोई भी पॉलिटिक्स जो है कल्चरल डिजाइन के बाहर नहीं हो सकती। तो इंडिया का कल्चरल डिजाइन कभी भी सेकुलर नहीं रहा, तो जाहिर है कि पॉलिटिक्स सेकुलर कैसे हो जाए। तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, मतजाद चीजें तैयार हो जाती हैं, वो मतजाद चीजें नई कॉम्प्लेक्सिटी को मजीद जन्म देने लगती है। उसी तरह तलाल असद का जो क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ सेकुलर में, उसने सेकुलरिज्म के बहुत सारे सवाल को क्वेश्चन किया है। और तीसरा है विलियम इकोनोली, उन्होंने ये कहा है कि व्हाई आई एम नॉट अ सेकुलर, उस पर डिबेट खड़ा किया। आखिरी मेरे पास पांच मिनट, एक मिनट नहीं, तो अब तीसरा सवाल हिंदुत्ववादी हिंदुत्व का, व्हाट इज हिंदुत्व। तो हिंदुत्व का कोई तसव्वुर क्लासिकल हिंदुइज्म में नहीं मिलता है। ये भी एक पॉलिटिकल रिस्पांस है, जैसे मैंने पहले कहा कि हर पॉलिटिकल रिस्पांस अपने जमाने का रिस्पांस होता है, हिंदुत्ववादी होना भी एक पॉलिटिकल रिस्पांस है। और 1923 में जब सावरकर ने किताब लिखी तो उसने पहली बार यह शब्द इस्तेमाल किया हिंदुत्व, और हिंदुत्व का मतलब मोटा मोटी जो बातें हैं वो दो तीन। एक बात ये हिंदू नेशनलिज्म होनी चाहिए, जिस तरह इकबाल मुस्लिम नेशनलिज्म की बात कर रहा था, मुस्लिम कौमियत की बात कर रहा था, उसी का एक रिस्पॉन्स ये भी है कि हिंदू नेशनलिज्म होना चाहिए। हिंदू कौम एक है और इसको एक जगह रहना चाहिए, जैसे इकबाल कह रहा था कि मुस्लिम कौम एक है और इसको एक जगह रहना चाहिए, उसी तरह ये कह रहा है कि हिंदू नेशनलिज्म हिंदू कौम है। और दूसरी ये कि इसका तरीका ये है कि कल्चरली मोबिलाइज कर, हिंदू कल्चर को अगर कोई मान ले, मुसलमान भी मान ले, एक्सेप्ट कर ले, तो इस कल्चरल मोबिलाइजेशन के नतीजे में अगर कोई हिंदू कल्चर को मानता है तो हमको उससे कोई लड़ाई नहीं, लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो फिर हम इसको खदेड़ेंगे, इस मुल्क से निकालेंगे, हम उसको कत्ल करेंगे, ये सब चीजें जायज करार पाएंगे। तीसरी बात यह कि यह मातृभूमि नहीं है, ये पितृभूमि है, और उसकी भी पॉलिटिक्स है। उसी पॉलिटिक्स ये कि मुसलमान बाप यहाँ आया और यहाँ लाइफ
शादी कर लिया और बॉम्बे में शादी कर लिया और बिहार में शादी कर लिया। मातृभूमि तो हमारी भी है, हमारी माँ यही है, लेकिन ये पितृभूमि है। जो हिंदुत्व का आर्ग्यूमेंट है, ये मातृभूमि नहीं है, ये पितृभूमि, ये बाप की जमीन है। तो जिसका बाप यहीं का है उसी की जमीन होगी। और उसमें बुनियादी बात यह है कि वो मौलाना मौदूदी ने जो बहस उठाई है कि इनकी सारी सियासत जो है वो मुस्लिम दुश्मनी पर बेस्ड है, और मौलाना मौदूदी को एक खतरा भी था कि मुल्क जब आजाद होगा तो इस मुल्क की सवाद आजम निकल जाएगी, मुसलमानों को निकल जाएगा, जो कि हुआ नहीं पूरी तरह से। और इस पर तंकीद भी किया नजातुल्लाह सिद्दीकी ने खुद बरमदरास पर। लेकिन हिंदुत्व के इस थ्योरेटिकल फ्रेम में मैं नहीं जा रहा, इसको अभी हम लोग यहाँ पर रोक देते हैं। आज हिंदुत्व का सवाल क्या है? कल तक हिंदुत्व एक क्लास था, एक खास क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक खास ब्राह्मणी थॉट को रिप्रेजेंट कर रहा था। आज मामला ऐसा नहीं है। कल वो एक क्लोजर ग्रुप था, कल वो एक सेल्फ एक्सक्लूजनरी ग्रुप था, आज नहीं। और इसीलिए ये सवाल इस्लामी तहरीकों के लिए, मुसलमानों के लिए ज्यादा पेचीदा बन गया है कि हिंदुत्व फोर्सेस अब इंक्लूसिव फोर्स, अब उनके यहाँ क्लास की, यानी कि यदि रप्पा पास से 30 साल पहले सीएम बनाने की इमेजिनेशन नहीं हो सकता था, गडकरी जैसे लोग नहीं बन सकते, लेकिन आज बन रहे हैं। तो जो क्लास का जो नीचे का हिस्सा है, जो कास्ट का नीचे का हिस्सा है, वो अब हिंदुत्व में इंक्लूड हो रहा है। आपके यहाँ आपको मालूम है कि आपके यहाँ बड़ी तादाद पर दलित आसन में जो फसाद हुआ उसमें दलित मोबिलाइज हुए, मैंगलोर में जो फसाद होता है मोबिला कम्युनिटी पूरी तरह से मोबिलाइज की जाती है, और शिमोगा में जो फसाद हुआ उसमें गोनीगा कम्युनिटी का पूरी तरह से हाथ रहा। और ये सारी कम्युनिटी, और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, अगर आप चाहें तो बद्रीनाथ में इस पर किताब लिखी है, फैसिनेटिंग हिंदुत्व एंड मोबिलाइजेशन ऑफ दलित। कल तक ये समझा जाता रहा, कांशीराम के साथ मौलाना सिराज अजम साहब बैठ के ये समझते रहे, ये एक वीडियो का कायदा मौजूद है कि मुस्लिम दलित अगर कोई अलायंस बन जाएगा तो शायद हिंदुत्ववादी फोर्सेस को, फासीवादी फोर्सेस को इस मुल्क में शिकस्त दी जाएगी। लेकिन अब सवाल ही बाकी नहीं रहा, मुस्लिम दलित रिलेशनशिप खुद अब पर्सनल इंपीरियल है, और अब एक नया वक्त आ गया है कि हम मुस्लिम दलित रिलेशनशिप को पूरी तरह से नए तरीके से इमेजिन करें और देखें कि कहां पर फिर। तो हिंदुत्व के सवाल बहुत आगे बढ़ गए हैं, ये सिर्फ इतना मामला नहीं रहा है, ये कोई सेल्फ एक्सक्लूजनरी ग्रुप नहीं रहा है, इसने हमको बहुत सी नई चीजों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ये सवाल तो गुजरात 2002 ही से उठ गए, उसमें जिन क्लास का मोबिलाइजेशन हुआ वो क्लास सारी की सारी जो है दलित क्लास थी, और दलितों को उकसा करके, शराब पिला करके, पैसा दे करके जो है वो पूरा फसाद करवाया। तो हिंदू मुस्लिम दलित एकता की जो बात की जाती रही है, मुस्लिम दलित पॉलिटिकल अलायंस की जो बात कही जाती रही है, वो अब एक नए मोड़ पर आ गई है। क्या मुस्लिम दलित यूनिवर्सल अलायंस नाम की कोई चीज हो सकती है? क्या कर्नाटका में आप कर सकते हैं? क्या कर्नाटका में इज पॉसिबल? ये कुछ गंभीर सवाल हैं जो आज से जुड़े हुए हैं, और इसका मैंने कोशिश की है कि जो बातें बताई जा सकती हूँ अभी के लिए मैंने खिदमत महज कर दी है। अब तरीका ये होगा कि आप किसी भी बहस को जो मैंने रखी है या इन चारों चीज़ों से जुड़ी हुई बहस, आप सवाल उठा सकते हैं, आप रिस्पॉन्ड